वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं हूँ अभी गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे, रोहतक से आया हूँ गोरखपुर और यहाँ से टैक्सी करके जा रहा हूँ नेपाल बॉर्डर पे। अभी फ़ोन आया और पता लगा कि नेपाल बॉर्डर बंद है, तो वहाँ पहुँच के देखते हैं, अगर एंट्री हुई तो आपको लेके चलेंगे एक और नई कंट्री में, नेपाल। ये है भाई नेपाल बॉर्डर, फर्स्ट टाइम अब मैं क्रॉस करने लगा हूँ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर एक दूसरी कंट्री में। वेरी एक्साइटेड। नेपाल में आपका स्वागत है भाई। थैंक यू त्रिदेव टूर एंड ट्रेवल्स इतनी अच्छी गाड़ी भेजने के लिए। वेलकम टू नेपाल। नमस्ते भाई। दिल्ली में एंट्री भी इससे टफ होती है जितनी आसानियाँ हुई है। चलो भाई। हाँ जी, क्या हाल है? वेलकम टू नेपाल ब्रो। थैंक यू। इसकी बहन की मजे ही मजे हैं। कुछ पूछा नहीं यहाँ पे? नहीं, कौन है? बोलो नानी, ये कौन है? चाचू, ये कौन है? दादा, हाय कर दो। और कोई फील्स ही नहीं आ रही नेपाल फॉरेन कंट्री की। ये भाई इधर को इंडिया जैसे ही लगेगा, जाम रहते हैं ना भैरवा। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम है। एक प्लस पॉइंट अभी दिखाऊंगा, देखिए हम थोड़ी देर ही चलेंगे और पहाड़ आ जाएंगे। और वो तो क्या कह रहा था, हर चीज की दुकान पे बियर मिलती है। जहाँ मर्जी तू आ, महाराष्ट्र मिलेगी, बियर मिलेगी सब पे। अरे की दुकान में मर्जी ले ले। एक बार रोके, मैं चीनी लानी है थोड़ी सी। चीनी मिलती है, बियर भी दे दे। भाई वेलकम टू नेपाल में। सबसे पहली जगह जो मेरे को घुमाने आया ना मेरे दोस्त, क्या मस्त जगह लेके आए, एयरपोर्ट। ये देखो हमारे रोहतक का बस स्टैंड इससे ज्यादा बड़ा है। ये डोमेस्टिक टर्मिनल है भाई, और वो सामने इंटरनेशनल टर्मिनल। ओ भाई, कुछ ज्यादा ही छोटा बना रखा है ना। नहीं, डोमेस्टिक तो सारे ऐसे छोटे। ये चालू क्यों नहीं हो रहे एयरपोर्ट? इसके बहुत सारे रीजन है भाई, बताओ फिर। हमारे पास बहुत टाइम है। एक तो रीजन यही है कि भाई ये जो बनाया है ना, चाइना ने बनाया है इसको। अच्छा। और जो नेपाल ने ये डील बनाने की डील दे दी चाइना को। अच्छा। और ये इंडिया को दी होती और इंडिया ने बनाया होता तो इसको अप्रूवल मिल जाता। बड़ी बड़ी फ्लाइट्स को लैंड करने के लिए तो इंडिया का वो चाहिए, एयरवेज एयरवेज चाहिए, वो इंडिया इनको प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है। वेलकम होम भाई। आ जाओ। ओए ऐसे ना करो। ये लोंडे, इसकी आने की मजे। हाँ तो भाई नेपाल में गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब फॉरेन में ही गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा ही है समझ लो। भाई नेपाल आए और मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। तो नेपाल में डे वन के फर्स्ट है के मोमोज जो कि आई है, जिसके साथ हमें मिला ये सूप पूरे के। तो पूरे एरिया में सिर्फ एक शॉप है जो वेज मोमोज सर्व करती है, अदरवाइज वेज के ऑप्शन ही नहीं है। बहुत अच्छा स्वागत किया नेपाल ने हमारा। कल तो भाई पूरा दिन गर्मी और अब लाइट है। भटूरा राइस स्पेशल। क्या है ये? भटूरा राइस। मेरे को बोले भटूरा राइस ऑर्डर कर रहा है, दिमाग में था क्या चल रहा था, एक बड़ा सा भटूरा और उसके अंदर राइस आए, क्या दाल चावल। ये वेज है? वेज है। अच्छा, हम सारे वेज है, सब वेज है। एक ये भैया है आशारी। हाँ, मैं खाऊंगा। गैंग पूरा रेडी है और अपन, मतलब पहले प्लान था हमारा स्विमिंग पूल जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, क्योंकि कल हमें एक लॉन्ग जर्नी के लिए जाना है, वो आपको अगले ब्लॉग में पता लगेगा। लेकिन अब प्लान बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये नेपाल मतलब इज इक्वल टू कसिनो। तो आज जा रहे हैं कसिनो में जुआ खेलने। थोड़े बहुत गैम्बलिंग करेंगे, ट्राई तो करेंगे, बनता है ट्राई। कौन से क्लब में, कौन से उसमें जा रहे हैं हम? निर्वाणा। पहले पहले एक तो एटीएम में चला था, देखा था। ठीक है। क्या नहीं चल रहा है? ये हमारे डेलविन डेरियन को दिखा यार। हाँ, जब कैसे ये भाई हमारे डेलविन। हाँ, ये भाई भाई यार, मतलब इनकी फोटो खींच लो। किसी भी आपको यहाँ पे नेपाल में कसिनो में जाना है, भाई के फोटो दिखा दो, आपको आने ही नहीं देंगे।
भाई त्रिदेव भैया त्रिदेव एक और भाई ऑडियंस को बता दो देख कैसा रहा हमारा क्वार्टर प्लस है भैया आधी बेटी प्लस है भैया 20 प्लस है ठीक है सबका काम हो गया भाई मजेदार था मस्त अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी नहीं तो दिखाता आपको मस्त है हमने खेला वो क्या था रोलेट खेला फर्स्ट टाइम था तो पैसे डबल हो गए मेरे तो थोड़े से थे बाकी ये थे गेम पर मस्त एक्सपीरियंस अंदर भाई बियर विस्की खाना पीना सब सब अनलिमिटेड लेकिन हम कुछ नहीं खाते हम कुछ नहीं खाते तशन है भाई कुछ नहीं खाएंगे बोले यहाँ से कुछ नहीं खाएंगे अमाउंट इतना मतलब ठीक है गैम्बलिंग है गलत है बट यहाँ पे लीगल है यहाँ पे भाई और गली मतलब हर थोड़ी जगह पे ये है तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था आज के दिन के लिए और मौसम देखो भाई और एक मिनट रुक जा भाई सच में ना ये बहुत गंदी चूल्हा है ये देख लो अभी हिसाब करा मतलब पैसे देख ली अब कह रहे हैं कि ना एशिया का सबसे बड़ा जो वो है क्या है कैसीनो वहाँ चलेंगे टाइगर कैसीनो जो यहाँ पे है तो बोले वहाँ चलेंगे मैंने कहा चलो भाई थोड़े वैसे है नाली में डालने के लिए तो देखते हैं इंजॉयमेंट चल रहा है भाई 4-5 गुना करके वापसी आएंगे फिर रुक जाओ इंजॉयमेंट चल रहा है बट पता क्या है कि ना वहाँ पे खाना पीना नहीं चाहिए क्योंकि ना भाई को मतलब ऐसे बताया था इसके साथ एक लड़का था उसने बियर पी एक बियर और वो एक बियर में ठह हो गया पता नहीं क्या मिला के दिया तो इसलिए अवॉइड करते हैं अपन भारी पार्टी करेंगे लेकिन हाँ अभी कैसीनो में जा रहे हैं टाइगर कैसीनो जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैसीनो है और वहाँ जाके अपनी किस्मत आजमाएंगे भाई बहुत अच्छा रहा हमारा आज का दिन और इस दिन को यहीं ख़त्म करते हैं कल आपसे मिलेंगे नई जर्नी पे नई लोकेशन पे तब तक गुड बाय टाटा टेक केयर और ये देख लो नेपाल के हाईवे पे BYD हमारी फराटे मारती हुई सांप बना दे सांप इसका ये लगा दी भाई हमने अपनी BYD चार्जिंग पे और कल भाई इसी हाँ कल इसी पे हम लोग जाने वाले पोखरा तो अब इसकी चार्जिंग फुल ऑन दो पूरी रात और कल आराम से चिल करेंगे इस पे गुड नाइट भाई तू आराम कर पूरी